सो है गाइज, कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे गाइज। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बताएंगे ना इतना मतलब खतरनाक वाला एडिटिंग, जो कि आप लोगों को यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। इतना खतरनाक एडिटिंग फोटो जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, मतलब हमारा फोटो जो है कितना मतलब बैकग्राउंड कितना हार्ड दिख रहा है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसा फोटो एडिटिंग करना है तो आप लोग यार या सीखना है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो आप लोगों को ये वीडियो में दिख जाएगा आप लोग मैं कैसे फ़ोटो एडिट करता हूँ, तो आप लोग भी मेरे जैसा सेम फ़ोटो एडिटिंग करना सीख पाइएगा। तो आप लोग ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेंगे। सबसे पहले अपना पिक ले लेंगे जो एडिट करना होगा, उसको ले लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो देखिए हमारा स्नैपसीड एप्लीकेशन यहाँ पर है, तो इसमें अपने फ़ोटो जो है ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद देखिए गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से देखिए टूल्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं ये टूल्स लिखा है इस पर, तो इस पर आप लोगों को सिंपली से क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन पर, सॉरी फ्रेंड्स, सेलेक्टिव वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सेलेक्टिव वाले आइकन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से ला करके अपना जितना मतलब ब्लैक होगा आप लोग ला करके यहाँ से छोटी करके छोड़िएगा ना, तो यहाँ से देख सकते हैं जितना वाइट करिएगा उतना आप लोगों का वाइट हो जाएगा। यहाँ से ऐड कर लीजिएगा जितना मर्जी उतना प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर करके, और जहाँ जहाँ मतलब आप लोगों का ब्लैक होगा वहाँ वहाँ आप लोग वाइट कर लीजिएगा। क्योंकि देख सकते हैं हम कितना आसानी तरीके से कर लिए हैं इतना वाइट, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ से सिलेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिए जितना मतलब हमारा ब्लैक है कितना मतलब बेकार दिख रहा है हमारा हैंड, और देख सकते हैं इतना हमारा काम हो गया है। यहाँ से फिर सिलेक्टिव को सिलेक्ट करके यहाँ से फेस पे अपने ला करके छोड़ेंगे ऐसा, तो देख सकते हैं हमारा फेस जो है कितना मतलब वाइट हो रहा है धीरे धीरे, जो कि आप सब अपने होम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो भाई यहाँ से देख सकते हैं मतलब हमारा फेस जो है इतना हो गया है वाइट, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। इतना होने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना होगा, अपने फ़ोटो को जो है शेयर करना होगा। यहाँ से देखिए अपने फ़ोटो जो हम शेयर कर रहे हैं, शेयर करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अपने फ़ोटो को जो है लेकर चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में आप लोग को बताएंगे कैसे आप मतलब प्रीसेट यूज किया जाता है और कितना हार्ड आप लोगों को प्रीसेट आप लोगों को आज बताएंगे यूज करना, जो कि आप लोग देखिएगा। देखिए हमारा फ़ोटो जो ये आ गया है लाइटरूम एप्लीकेशन में, चलिए आप लोग को दिखा देते हैं फ़ोटो अपना। देखिए हमारा फ़ोटो है और देख सकते हैं कितना मतलब बेकार दिख रहा है, और ये मेरा प्रीसेट है, ये मैं खुद का बनाया हूँ अपना प्रीसेट, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको कॉपी सेटिंग करेंगे, और इसको देखिए यहाँ से कॉपी सेटिंग करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ से डन कर लेंगे। इसको डन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपने फ़ोटो के जो आप लोग जो इसको पे यूज करना होगा प्रीसेट, वैसे फिर थ्री डॉट पर आ जाइएगा और यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर रहा हूँ, मेरा फ़ोटो देखिएगा आप लोग वन क्लिक में मतलब देख सकते हैं वन क्लिक में कितना हार्ड फोटो एडिटिंग हो गया है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। केवल वन क्लिक में मेरा देख सकते हैं आप लोग जादू कैसा है, वन क्लिक में इतना हार्ड फोटो एडिटिंग हमारा हो गया है। तो यहाँ से आप लोग बिफोर आफ्टर देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं मतलब कितना हार्ड फोटो एडिटिंग हो गया है। तो यहाँ से सिंपली से अपने फ़ोटो जो है शेयर करेंगे, शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से शेयर टू करेंगे। शेयर टू करने के बाद देखिए आप लोग बताते हैं किस एप्लीकेशन में अपने को फ़ोटो को लेकर चलना है। तो आप लोग देखिए यहाँ से खुल गया है, तो यहाँ से लेकर चलेंगे अपने फ़ोटो जो है स्केच बुक एप्लीकेशन में। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपली से हमारा फ़ोटो जो है स्केच बुक एप्लीकेशन में आ गया है। आने के बाद देखिए यहाँ से पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ करने के बाद देखिए आप लोग इतना ब्रश का निशान मिल जाएगा। मिलने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक ही ब्रश को हम यूज करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं एक छोटे आइकन तरफ वायर ब्रश है ये, यहाँ से आप लोग सेटिंग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अपने फ़ोटो जो है स्मूथ करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो है कितना मतलब झकास तरीके से स्मूथ हो रहा है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो इस ब्रश से हम स्मूथ जो है अपने फेस को जो करते हैं, जो कि देख सकते हैं कितना मतलब हार्ड फोटो जो है स्मूथ हो रहा है। तो चलिए अपने फ़ोटो जो है स्मूथ करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा फोटो जो है स्मूथ हो गया है, कितना मतलब हार्ड दिख रहा है स्मूथिंग हमारा फेस। तो चलिए अपने फ़ोटो जो यहाँ से शेयर करते हैं, शेयर पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा थोड़ा वेट करने के लिए बोलता है, तो यहाँ से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा।
ओपन होने के बाद सीधे एप्लीकेशन में अपने फोटो जो है एड करेंगे। एड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से देखिए हमारा ब्लैक है वहाँ पर ला करके छोड़ देते हैं। और देखिए कितना मतलब वाइट लग रहा है हमारा फेस, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से गोरा हमारा फेस जो है हो जाएगा, जो कि आप सब देख ही सकते हैं। मतलब जितना मतलब आप लोग करिएगा ना उतना आप लोगों का फेस जो है वाइट होने लगेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मतलब हमारा जहाँ जहाँ पर ब्लैक था वहाँ वहाँ पर हम कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं कि लगेगा नहीं कि हमारा यहाँ पर पहले से अभी ब्लैक था कभी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं। मतलब हमारा फोटो जो है इतना बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इतना हमारा फोटो में जो है हो गया है। तो यहाँ से देखिए लीलार पे भी जो हमारा ब्लैक है तो वहाँ से वाइट कर ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इतना काम हो गया है जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ से इतना होने के बाद देखिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग को चार आइकन मिलेगा, आप लोग देख ही सकते हैं। इसको जितना मतलब आप लोग जो सा भी कलर रखना होगा वो आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं मतलब हमारा फेस के हिसाब से अपने बैकग्राउंड को जो है मैच कराएंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मतलब हम कर रहे हैं वैसा ही, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा इतना देख सकते हैं आप लोग, जितना मतलब आप लोग यहाँ से अप ना डाउन करिएगा ना तो उससे वैसे आप लोगों का बैकग्राउंड का कलर चेंज होने लगेगा, जो कि आप सब देख ही सकते हैं। मतलब हमारा इतना काम हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस अले आइकन पर क्लिक करेंगे, कोने में जो आप लोग को दिख रहा है ना उस पर क्लिक करके आप लोग जितना मतलब आप लोगों को बैकग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि देख सकते हैं ये है HDR करने वाला, तो देख सकते हैं मतलब कितना मतलब हमारा फोटो है बिफोर आफ्टर आप लोग चेंजिंग देख ही सकते हैं मतलब आप लोग के हिसाब से। क्योंकि देखिए आप इतना होने के बाद टू इमेज पर क्लिक करके अपना फेस जो है और बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इससे हमारा जो फोटो है और भी हार्ड दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।